हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाकू जंक्शन। एंड हमने लास्ट वीडियो में क्लास 11th का यू नो बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया था। एंड लास्ट वीडियो में हमने काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन सी ऐसी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले, और एक छोटा छोटा ओवरव्यू, यू नो एक बेसिक ओवरव्यू हमने लास्ट वीडियो में लिया था। अब से हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। हमने देखा था कि कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। अब अपकमिंग वीडियोस में हम लोग यू नो जितने भी फॉर्म्स आपको दिख रही है, यानी कि दिस फाइव फॉर्म्स, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन देखेंगे। अब आप बोलोगे डिटेल डिस्कशन क्या होगा, यानी कि इसका मीनिंग, इसकी कोई डेफिनेशन जो ऑथर ने दी है, प्लस इसके क्या फीचर्स है। फीचर्स को आपको मैं बता दूं, अगर एग्जाम में पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, नेचर, इन सब का मतलब एक ही है, आपको यही लिख के आना है। सो मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, फिर उस पर्टिकुलर फॉर्म के क्या एडवांटेजेस है, क्या उसके अंदर यू नो कमियां है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारा स्टडी हम करेंगे। एंड आज की पर्टिकुलर क्लास में हम लोग कवर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे चलूँ, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ यू नो बिजनेस है, इसमें स्मॉल बिजनेसेस में ज़्यादा प्रेफर की जाती है ये फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल एक ही बंदा करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल सिंगल पर्सन का होता है। अब अकेला बंदा सब कुछ कर रहा है तो भैया बड़े ही तो ऑर्गेनाइजेशन में हैंडल नहीं कर पाएगा कि परचेज भी, सेल भी, मार्केटिंग भी, ही कैन नॉट हैंडल। इसलिए ये जनरली प्रेफर की जाती है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या है, पार्लर है, बार्बर शॉप है, आपके पड़ोस में ग्रोसरी शॉप है, छोटी छोटी दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकान है, ये सब ऑल क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, अब अगर मैं मीनिंग देखूं कि क्या लिखा है, तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करके आनी है। इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओन, यानी जो पैसे लगाता है, मैनेज, जो मैनेज करता है, कंट्रोल, जो कंट्रोल रखता है, वो सब एक ही बंदा रखता है। ठीक है, अब एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है, जो प्रॉफिट होगा वो भी उसका और जो लॉस होगा वो भी उसका, है ना, क्योंकि एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है। तो मीनिंग देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। अकेला बंदा सब कुछ करता है तो फिर अब भाई प्रॉफिट होगा वो भी उसका, और अगर रिस्क है बिजनेस में तो सारे वो भी उसके, है ना, ये सिंपल सा एक मीनिंग है। ओके, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की, डेफिनेशन, यू नो मैं इसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जितने भी टॉपिक्स है उन सब टॉपिक्स की आप कोशिश करें एक एक डेफिनेशन जो आपको सबसे ईजी लगे वो आप याद रखने की कोशिश करें विद द नेम। जब एग्जाम में आएगा ना और आप लिख के आओगे तो उस चीज़ का अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा, बाकी आपकी चॉइस है, बट ये प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा कर देती है। ओके, तो सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली, सोलली का मतलब आप जानते हो ना, ओनली, अकेला, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, पैसे भी वही दे रहा है यानी ओन्ड, फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज, सारा रिस्क भी उसका, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी भैया करना उसको सब कुछ ही है। ये मुझे सबसे ईजी लगी तो मैंने इसलिए आपको लिखवा दी। इसके अलावा एक और है आपकी NCERT की बुक में, अगर आपको वो समझ आए तो आप वो देख लेना, ये JL हैंसन ने दी है, ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स है, यू नो क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर एक और वर्ड यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स है, नेचर है, ये सब इसको एक ही बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब मैं आपको अगर बताऊं जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, ये इसमें कोई मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए होती, आप इजली इसको ओपन कर सकते हो, कोई ऐसा गवर्नमेंट का सेपरेट लॉ नहीं है जिसको गवर्न करता है। देखो जब हम लास्ट वीडियो डिस्कस किया था तब हमने बताया था जैसे पार्टनरशिप है उसके केस में पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932, कंपनीज है कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे हिंदू लॉ लगता है, बट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप कोई सेपरेट लॉ गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब नहीं किया,
बहुत मतलब मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। एक उसको बोलते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके अंदर मुश्किल से रजिस्टर कराना पड़ सकता है, बट इसके अलावा कोई यू नो रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसी को बोलते हैं लाइसेंस। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फीचर की, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसमें यही लिखेंगे कि एज सच कोई सेपरेट लोन नहीं है इस पर्टिकुलर यू नो फॉर्म के लिए। इसमें बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, इसलिए इसको क्लोज करा सकते हो, इसलिए आप इसको ओपन कर सकते हो। देखो देर इज नो सेपरेट लॉ जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करता है, और बड़ी मुश्किल से एक आधी को लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने लगती है ना। लिखा ना दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर लाइसेंस, ये क्या होता है? देखो जब भी आप अपनी दुकान खोलो तो एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, उसके अंडर आप एक सिंपल से आपको लाइसेंस लेना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो भी डन इजिली, क्लोजर भी बहुत ईजी है। दस देर इज ईज, ये देखो देर इज ईज इन फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर ऑफ बिजनेस, ईजी है। अच्छा अब एक चीज और ध्यान से सुनना आप, जब हम फीचर्स पढ़ रहे हैं ठीक है, तो हो सकता है इसी में से कोई भी पॉइंट एडवांटेजेस में चला जाए, कोई पॉइंट डिसएडवांटेजेस में चला जाए, मतलब सेम पॉइंट तीनों में भी जा सकता है, फीचर्स में भी एडवांटेजेस में भी, और उसको थोड़ा सा पलट के डिसएडवांटेजेस में भी, है ना। तो इस चीज आपको याद रखनी है कि पॉइंट सेम हो सकते हैं, बट जब आप उस चीज का एक्सप्लेनेशन लिखोगे, फीचर्स में आपको नॉर्मल एक्सप्लेनेशन लिखा है, बट जब एडवांटेजेस की बात करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को एज एन एडवांटेज शो करना है। जब डिसएडवांटेज की बात करेंगे उस पर्टिकुलर यू नो जो भी पॉइंट हमने पकड़ा उसका डिसएडवांटेज वे में हमें दिखाना है, उस तरह से एक्सप्लेनेशन को मॉडिफाई करना है, ये आपको याद रखना है। आप बोलोगे फीचर्स वाले एक्सप्लेनेशन आप एडवांटेजेस में भी डाल दो, आप डिसएडवांटेज में भी डाल दो, ये नहीं हो पाएगा ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया इजी फॉर्मेशन है, इजी क्लोजर है। ओके देखो अगर हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो ऑफकोर्स ये एक एडवांटेज का पॉइंट बन सकता है ना, वो हम देखेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपने अकाउंट्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म उसमें सीखा होगा। लाइबिलिटी का मतलब कोई भी ऑब्लिगेशन जो आपको पे करना है, दैट इज योर लाइबिलिटी ठीक है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूँ जो इसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब आपको ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है, ये की पॉइंट है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है। अब आप सुनिए, फॉर एग्जाम्पल उसने अपने बिजनेस को रन करने के लिए मान लो 10 लाख का लोन लिया ठीक है, और जब उसको रीपे करना था उसके पास सिर्फ 8 लाख रुपए की एसेट है, 2 लाख के लोन का क्या होगा? वो नहीं रिपे करेगा भैया, बैंक बोलेगा भाई साहब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से 2 लाख रुपए चुकाओ, जो आपका पर्सनल कैश है आपके बैंक अकाउंट में जो पड़ा है और जो आपके नाम की एसेट है ना पर्सनल, वो भी हमें लाओ, हम उसको यूज करके अपना बैलेंस घटाएंगे, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यही अगर जब हम कंपनी पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वहां पे लाइबिलिटी जितने कंपनी की असेट है उससे रिकवर कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि जो शेयर होल्डर्स है वो लाओ अपने पर्सनल असेट्स, नो वहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसका मतलब भी लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स इन केस द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशियंट टू मीट ऑल द डेट्स। इन केस आपने कोई यू नो आपको बिजनेस की कोई लाइबिलिटी पे करनी है और आपकी बिजनेस के असेट शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो उस केस में आप पर्सनली लाइबल हो उस चीज के लिए, आपको उस पर्टिकुलर यू नो लाइबिलिटी को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से रिपे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब आपको खुद समझ आ रहा है ये डिसएडवांटेज है ना, तो ये हम डिसएडवांटेज में पॉइंट देखेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी के नाम से। मैं आपको भी समझाते जा रही हूँ ना, आपको भी इजी हो रहा है। अच्छा थर्ड, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। अब जब अकेला ही बंदा ऑन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अकेला ही सब कुछ कर रहा है, तो ऑफकोर्स जितना प्रॉफिट है वो भी उसका, अगर लॉस होता है तो भी उसका, यानी रिस्क रिटर्न सब उसका ही है। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस फेल हो जाए इसका रिस्क इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर, वही भैया अकेला ही बियर करता है। अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो प्रोप्राइटर को ही सारे बेनिफिट होंगे उसी को, यानी कि वो सारे बिजनेस प्रॉफिट्स को रिसीव करेगा, यानी कि जो उसने रिस्क लिया उसका डायरेक्ट रिवार्ड उसको मिलेगा, है ना। रिस्क रिटर्न सब उसका है, अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो फिर ये रिटर्न भी वही मिलेगा, यानी उसने रिस्क लिया। अच्छा अब फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल। अब आपको मैंने अभी बताया था मीनिंग में कि ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड वो अकेला बंदा करता है,
अब यहाँ पे कंट्रोल किसका है बिजनेस को रन करने का? उसी प्रोप्रेटर का। कोई भी दूसरा बंदा उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता कि नहीं तुझे ऐसे चल रहा है भैया, हो गएगा, मैं अकेला मालिक हूँ, तुम कौन हो, है ना। यानी कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल उस सोल प्रोप्रेटर का है। सोल प्रोप्रेटर पता है ना, देखो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड दिया जाएगा सोल प्रोप्रेटरशिप। तो उसको रन करता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। ऐसे जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, बिजनेस के लिए वर्ड यूज करेंगे पार्टनरशिप, एंड जो पे काम कर रहे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स, है ना। कंट्रोल द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस किसके पास होते हैं? उसी सोल प्रोप्राइटर के पास। वो कोई भी प्लान्स कैरी आउट कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स। ओके, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा ना, मेक ऑल डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्रेटर। सारे डिसीजन की यू नो पावर उस अकेले सोल प्रोप्रेटर के पास है। यानी यहाँ पे क्या हो, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, तो इसको हम एडवांटेज में भी दिखा सकते हैं। इजिली डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, आप किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। बट आप खुद सोचो, ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी, तो आपको सब कुछ हैंडल करना है और आप सबके मास्टर तो हो नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप भी गलत डिसीजन लोगे, वहाँ पे दो चार लोग और होते, उन्हें ज्यादा एक्सपर्टीज होती, वो आपको हेल्प करते। यानी एक ही पॉइंट है बट हम उसको फीचर्स में भी डाल रहे हैं, एडवांटेज में भी डाल रहे हैं, डिसएडवांटेज में भी डाल रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे चेंज कर दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नो सेपरेट एंटिटी। अब मैं आपको बताती हूँ क्या। देखो जब हमने अभी सेकेंड पॉइंट पढ़ा था लाइबिलिटी का, यानी कि अगर मान लो बिजनेस की कोई लाइबिलिटी है और उसको जब रीपे करना है, तो बिजनेस के असेट्स अगर शॉर्ट पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइबिलिटी यू नो पर्सनल असेट्स को भी यूज किया जाएगा उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। अच्छा, अब नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है? लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में आप और आपका बिजनेस अलग अलग नहीं माना जाता। इसी वजह से तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, क्योंकि आप और आपके बिजनेस को वो अलग नहीं देख रहे। अगर बिजनेस के असेट कम है तो लाओ अपने भी दो। बट जब हम कंपनी में पढ़ेंगे, शॉर्ट आपको बता रही हूँ, वहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वहाँ पे ना कानून बोलता है कि भैया आप और आपकी कंपनी दोनों मेरी नजरों में अलग अलग है। अगर कोई कंपनी की लाइबिलिटी है तो आपकी पर्सनल नहीं है। आपकी अगर वो कंपनी के असेट से उसको रिकवर नहीं कर पा रहा, तो आपके पर्सनल असेट पे नहीं क्लेम कर सकता कि लाओ फिर ये देगा, नहीं। यानी कि वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। आपको लोन उठाना है तो आप अपने नाम से उठाओगे ना, आपको कुछ भी केस करना है तो अपने नाम से आपको करना पड़ेगा। बट जब हम कंपनी के एग्जांपल लेंगे, कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है, अपने नाम से यू नो उसके नाम पे कोई केस कर सकता है, अपने नाम से असेट्स को रख सकती है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इन द आईज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। कोई फर्क नहीं है दोनों में, एक ही मानेंगे हम तो। एज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। यहाँ पे बिजनेस की ओनर के यू नो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। द ओनर इज देयर फॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ओनर रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, भाई साफ सी बात है, अकेला बिजनेस कर रहा है, सारा कुछ वही देख रहा है, तो कल को वो पागल हो जाए, कल को क्या बोलते हैं बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया निकल जाए, कल को मर जाए, कौन उसका बिजनेस देखेगा, क्योंकि भैया वो अकेला ही देख रहा था ना। तो इस केस में बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की कमी होती है। यानी एक होता है ना, कंपनी चलती रहती है, उसके प्रोप्राइटर्स मतलब सॉरी उसके शेयर होल्डर्स मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। बट यहाँ पे सब कुछ तो उस ओनर पे डिपेंडेंट है। वो जिस दिन मर गया, इनसेन हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो कंपनी भी मतलब दैट सोल प्रोप्राइटरशिप भी बंद हो जाएगी। तो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, सॉरी यहाँ पे आप करेक्शन कर लो, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, अकेला देख रहा है। देयरफॉर अगर उसकी डेथ हो जाए, इनसैनिटी का मतलब होता है पागल हो जाना, इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल हो जाना, फिजिकल एलिमेंट को बीमारी हो जाना, या फिर बैंकरप्ट दिवालिया निकल जाना, फिर सोल प्रोप्राइटर के साथ कोई भी ये घटना होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होगा? बिजनेस पे, एंड मे इवन कॉज क्लोजर ऑफ द बिजनेस, और इसकी वजह से बिजनेस क्लोज भी हो सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इन केस आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। पूरी कोशिश करूँगी कमेंट में रिप्लाई करने की। अगर मुझे वो क्वेरी ऐसी लगी कि कमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप ज़रूर करूँगी। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका हमने मीनिंग सीखा, एक डेफिनेशन पढ़ी है, कुछ फीचर्स को देखा, उसके एडवांटेजेस क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं वो देखते हैं।
सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग, ये तो हमने पढ़ा ही था। अब भाई अकेला बंदा सब कुछ कर रहा है तो मिनट में यू नो डिसीजन मेकिंग लेके साइड हो जाएगा। भाई दो चार दस बंदे होते तो दूसरे साथ दूसरे को भी मनाना पड़ता है, उसको समझाने पड़ते लॉजिक क्यों डिसीजन ले रहा, क्यों अच्छा है क्या है। चार दिमाग लगते, चार चार बातें, फिर टाइम भी उतना लगता। यहाँ पे आप अकेले हो, कोई इंटरफेरेंस कर नहीं सकता, किसी को आपको कंसल्ट नहीं करना, तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो अ सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोप्राइटर इंजॉयज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन, उसके पास फुल फ्रीडम है। फर्दर द डिसीजन मेकिंग इज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट, तेजी से ना, क्विक, बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सेकेंड, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले बंदे सब कुछ कर रहे हो, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भाई आपने अगर पार्टनरशिप की होती, कंपनी की होती, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बताना पड़ता है ना, तो सीक्रेसी नहीं मेंटेन हो पाती, वो बंदा किसी और को बताता। बट यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सीमित है, आप इसको सीक्रेटली रख सकते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल रहेगी। सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एनेबल्स द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सीक्रेसी, सीक्रेटली रख सकते हैं। तीसरा, डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब भैया डायरेक्ट फायदा उसी का है। ये हमने पढ़ा था, अकेला बंदा ऑन मैनेज कंट्रोल कर रहा है, सारे रिस्क वो बियर कर रहा है, सारा रिटर्न उसका है, तो वो जितने भी एफर्ट लगाएगा उस सबका प्रॉफिट यू नो किसको मिलेगा, सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा, यानी कि उसे डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है। सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीप्स द बेनिफिट ऑफ हिज और हर एफर्ट्स एज ही शी इज द सोल रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट, उस अकेले को ही सब कुछ मिलने वाला है, उसे किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अकेला ऑनर है ना। द नीड टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट अराइज एज ही और शी इज अ सिंगल ओनर, दिस प्रोवाइड मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड, फिर उसका और मन करेगा, मेहनत करेगा, है ना। अच्छा, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इसी से रिलेटेड है, देखो जब आप अपने लिए काम करें तो ऑफकोर्स जब आप काम करते आपको प्रॉफिट होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है ना, एक अलग सिंक मतलब राहत मिलती है, ये वही कहना चाह रहा है। देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्वड इन वर्किंग फॉर वनसेल्फ, आप खुद के लिए काम करो तो एक यू नो पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको आता है। द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट इंडिविजुअल के अंदर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी एबिलिटी पे यू नो एबिलिटीज पे उसको खुद पे यकीन होने लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अच्छा, लास्ट इस का ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अभी पढ़ के आए थे भाई साहब, कोई लीगल एसेज बहुत लंबी लंबी फॉर्मेलिटीज नहीं है, ज्यादा ज्यादा आपसे एक लाइसेंस बोलेंगे वो भी बहुत ईजी, यानी कि ईजिली आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, ईजिली आप इसको क्लोज कर सकते हो, ये क्या इतने का उसका एडवांटेज है। एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस, कोई रूल्स रेगुलेशन एज सच नहीं है जो इसको रेगुलेट करते हैं, सो इट इज ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर, ऑनर जैसे चाहता है उसको तुरंत यू नो जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको क्लोज भी कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस, या फिर जिसको आप लिमिटेशंस बोल सकते हो, या डीमेरिट्स भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस, या फिर मेरिट्स का मतलब भी वही होता है फायदे, डीमेरिट्स का मतलब नुकसान। अच्छा, सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑफकोर्स लिमिटेड तो होगा, क्यों, क्योंकि अकेला बंदा है ना, उतनी प्रॉपर्टी लिमिटेड ही होगी, आपकी पर्सनल सेविंग्स भी लिमिटेड होगी, आप थोड़ा लिमिटेड ही बोरोइंग कर सकते हो। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ना ज़्यादा लंबे लंबे लोन देने के लिए मतलब हेजिटेट होते हैं सोल प्रोप्राइटर को, वही एक प्रॉपर लीगल फॉर्म हो, कंपनी आप बनाओ तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है लोन लेना। So, resources of a sole proprietor are limited to his or her personal savings and borrowings from others. Banks and other lending institutions may hesitate to extend a long-term loan to sole proprietor or lack of resources ki wajah se size of the business rarely grows much and generally remains small. Still, ye, you know, ek sole proprietor ka business small hi rehta hai because the finance ki, you know, paiso ki kami hoti hai, resources uske paas limited hote hain. Second, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, अभी हमने पढ़ा था भैया, अभी पढ़ा था ना हमने ये वाला पॉइंट, अगर मैं आपको बताऊँ लैक ऑफ बिजनेस क्वान्टिटी है क्या एक तरह का डिसएडवांटेज है, उसी को ही लिख दिया कि लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। मैंने क्या बताया था, कल को मर जाए, कल को डेथ हो जाए, इंसैनिटी यानी पागल हो जाए, जेल हो जाए,
इसको, या बिजनेस आपका खत्म। द सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस इज ऑन कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, अगर डेथ हो जाए, इंसैनिटी यानी पागल हो जाना, इम्प्रिजनमेंट जेल हो जाना, कोई फिजिकल एलिमेंट कोई बीमारी हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना यानी दिवालिया निकल जाना, ऑफ अ प्रोप्राइटर अफेक्ट्स द बिजनेस एंड कैन लीड टू इट्स क्लोजर, उसकी वजह से क्या हो सकता है, बिजनेस आपका बंद हो सकता है। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, अगर बिजनेस के एसेट कम पड़ रहे हैं लोन को रीपे करने के लिए, लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए, इन दैट केस आपके पर्सनल एसेट से उस लाइबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट द ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी इफ द बिजनेस फेल्स द क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। द क्रेडिटर कैन रिकवर देयर ड्यूज नॉट मेयरली फ्रॉम द बिजनेस एसेट, बट वो पर्सनल असेट भी प्रोप्राइटर के दे सकता है। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, हमने अभी क्या पढ़ा था कि अकेले का कंट्रोल होता है, जल्दी डिसीजन मेकिंग हो जाती है, फिर जल्दी डिसीजन मेकिंग को हमने एडवांटेज में डाल दिया, अब बस ये वही है उसको हमने अब उसको डिसएडवांटेज में तो कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अब देखो अकेला बंदा है, अकेला बंदा सारे डिसीजन ले रहा है, परचेज की हो, सेल की हो, मार्केटिंग की हो, एडवर्टीजमेंट की हो, अब वो क्या लगता है वो सब में मतलब एकदम महारत होगा, एक्सपर्ट होगा, नहीं, लिमिटेड होगा, उसको थोड़ा नॉलेज होगा, किसी एक में हो सकता है एक्सपर्ट, किसी दो में हो सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि सब में वो एक्सपर्ट हो, यानी कि कहीं ना कहीं तो डिसीजन गलत हो सकते हैं। कोई लिखा है कि मैनेजर एबिलिटी लिमिटेड है, द ओनर हैज टू अस्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैलिड मैनेजरल टास्क, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, जैसे कि परचेजिंग हो, सेलिंग हो, पैसा कहाँ से लाना है, फाइनेंसिंग हो। It is rare to find an individual who excels in all these areas. भैया अकेला बंदा सब कुछ करेगा तो बड़ा मुश्किल है, वो बहुत अच्छे से कर ले, सब कुछ कर तो ले बट अच्छे से भी तो करे ना। Thus decision making may not be balanced in all the cases. जरूरी नहीं है सब में वो तरीके से ले, एक्सपर्ट तरीके से ले, हो सकता है कई जगह वो वीक हो, डिसीजन मेकिंग रॉन्ग जा सकती है, तो बैलेंस्ड नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कवर किया, उसका मीनिंग, एक डेफिनेशन, कुछ फीचर्स डिस्कस किए, फिर कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। आपको कोई क्वेरी हो, कुछ समझना आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, एंड अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर यू नो अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच।